जैन साथियों, जिस पल का आपको लोगों को इंतजार था, यूपी पुलिस, जेल वार्डन और फायरमैन का रिजल्ट का वो बिल्कुल मंजर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूपी पुलिस और जेल वार्डन और फायरमैन का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है। इसमें कट ऑफ कितनी कितनी गई है, फिजिकल कब कराया जाएगा और इसमें आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर मेरा तो एडमिट कार्ड खो गया है, तो मैं अपना कट ऑफ कैसे चेक करूँ, सॉरी रिजल्ट कैसे चेक करूँ। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, आप बाय नेम से भी सर्च करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, किन लोगों ने मेरे पास ये कमेंट किया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, सो आज की इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सबसे न्यू वैकेंसी की अपडेट, यूपी पुलिस की अपडेट सबसे पहले आपको, सबसे तेज आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम सरकारी रिजल्ट के उस पेज पे आ चुके हैं जहाँ पे इसका रिजल्ट जारी किया गया है। यहाँ सबसे पहले आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड रिजल्ट मेल और फीमेल का, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, डाउनलोड रिजल्ट नोटिस देख सकते हैं। सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं कि किसकी इसकी कितनी कट ऑफ गई है, फिर इसके बाद हम बताएंगे कि आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे रिजल्ट नोटिस पे क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो रही है। पीडीएफ के डाउनलोड होते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है। यहाँ पे आप जो वैकेंसी थी, यहाँ पे आप वैकेंसी भी देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी फायरमैन, घुड़सवार और उसमें हैं। और यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं, और आप मेरे जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो आप देख सकते हैं। उसमें से एक नंबर का भी डिफरेंस नहीं आया, बिल्कुल 100% वही कट ऑफ गई है जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि सर ने कितनी कट ऑफ बताई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल वालों की 187 यानी 187 गई है, ओबीसी की 179 गई है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी की 155 और एसटी की 129 गई है कट ऑफ। स्वतंत्रता सेनानी के आप यहाँ पे अलग से कट ऑफ देख सकते हैं। जो भूतपूर्व सैनिक है यानी फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और होम गार्ड्स की इतनी गई है कट ऑफ। फीमेल्स की बात कर सकते हैं, फीमेल्स मेरे पास बहुत कमेंट कर उन्होंने कमेंट किया था कि सर मेरा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जितनी कट ऑफ बताई थी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उस पेज की भी लिंक मिल जाएगी जो मैंने कट ऑफ के बारे में बताया था, वहाँ से आप मिला लीजिएगा कि कितनी कट ऑफ मेरी सही गई है। एक भी नंबर का डिफरेंस नहीं है, जितनी मैंने कट ऑफ बताई थी फीमेल्स की उतनी ही सेम गई है, उतनी ही मेल की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल वालों की 166 गई है, ओबीसी की 155 गई है, अनुसूचित जनजाति की 133 गई है और एसटी की 101 गई है कट ऑफ। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर जो मैंने जो वीडियो बताई थी उसी से कट ऑफ गई है या उससे बाहर गई है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए कट ऑफ को कैसे चेक करना है, यानी अपना नाम रिजल्ट में कैसे चेक करना है, मेरा सेक्शन हुआ है कि नहीं है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे आप मेल कैंडिडेट्स पे लिंक पे क्लिक करिएगा, और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल लिंक पे क्लिक करिएगा। चलिए सबसे पहले मेल क्लिक में करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेल कैंडिडेट्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे इनका कब कब डीवी पीएसटी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इनके डीवी पीएसटी यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 17 तारीख को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे अपना रोल नंबर भी आप अपना सर्च कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप अपना सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो आप अपना बाय कैंडिडेट्स नेम भी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे आपका नाम अगर अनुराग है तो आप अपना नाम अनुराग भी सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार लोग यहाँ पे आपको आ जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं अनुराग कुमार है, दूसरा अनुराग दीक्षित है, तीसरा अनुराग सिंह है, चौथा अनुराग मिश्रा। यहाँ जितने भी होंगे आप ऐसे सर्च करके भी देख सकते हैं, और आप जिस जगह से होंगे उनका आपका वहीं पे डीवी पीएचटी कराया जा रहा है, जिस अगर आपके उस सिटी में अगर आपके लिए अवेलेबल है। चलिए फीमेल्स का भी कैसे चेक करना है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले इस पर बात करेंगे कितने कैंडिडेट्स को इसमें पास किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 344 पन्ने यहाँ पे रखे गए हैं, इसीलिए इसमें पेज को लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,429 लोगों को पास किया गया है। इसमें जेल वार्डन और फायरमैन की दोनों की एक ही गई है कट ऑफ, और आप रिजल्ट भी एक ही पीडीएफ से देख सकते हैं। चलिए फीमेल का कैसे देखना है रिजल्ट उस पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की भी यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है, जो यूपी पुलिस जेल वार्डन
वार्डन और फायरमैन की थी। तो यहाँ पे आप फीमेल्स भी ऐसे ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर करके भी सर्च मार सकते हैं या रोल नंबर भी। अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप अपना कुछ भी नाम सर्च करके मार सकते हैं, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट्स का नाम प्रतिमा है तो यहाँ पे आप प्रतिमा सर्च कर भी मार सकते हैं सर्च। तो यहाँ पे आप सर्चिंग रिजल्ट में देख रहे हैं 5 लोग प्रतिमा आ चुकी हैं। प्रतिमा गौंड है, प्रतिमा तिवारी हैं, ये मेरी रेगुलर स्टूडेंट है प्रतिमा तिवारी, इसी ने मैं सबसे पहले कमेंट किया था, इसका सिलेक्शन हो चुका है। अगर ये रनिंग निकाल देती है तो इसका कंफर्म है कि इसका इसको यूनिफॉर्म यूपी पुलिस की मिलेगी। यहाँ भी देख सकते हैं 48 स्टूडेंट्स के प्रतिमा नाम से आप अपना सर्च करके भी चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर इसका फिजिकल कब कराया जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये DVPHT डेट है। सबसे पहले हम ऊपर ले आते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए इसकी जो DVPHT डेट है, यानी कि अभी फिजिकल की कोई भी डेट नहीं है, यानी आप जान लीजिए कि आपके DVPHT के 5 से 6 दिन बाद भी रनिंग कराई जा सकती है, 1 मंथ का भी समय लग सकता है। आप उन लोगों के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि DVPHT वालों के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर जैसे आप जानते हैं कोविड गाइडलाइंस चल रही हैं तो एक साथ इतने लोगों को रनिंग नहीं कराया जा सकता है, इसीलिए आपको 1 मंथ का भी समय मिल सकता है। जब लास्ट ईयर का जब हुआ था, यानी यूपी पुलिस जब 49,000 वाली भर्ती का आया था, तो उसमें से कम से 20 से 25 दिन DVPHT के बाद में हुआ था, यानी कि 15 दिसंबर को अगर उनका DVPHT हुआ था तो उनकी 27 जनवरी और 28 जनवरी ऐसे उनकी रनिंग कराई जाए, तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं 20 से 25 दिन का होता है। चलिए किसी ने कैसे मेरे पास कमेंट किए हैं, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कहाँ पर आपका DVPHT की डेट रखी गई है। अगर जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है वो भी आप मुझे कमेंट में बॉक्स कर में बता सकते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिमा तिवारी जी ने, जो मेरी रेगुलर स्टूडेंट है, मैं जिसे मैं बता रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्हीं ने ही कमेंट करके सबसे पहले मुझे बताया था। तो कंग्रेचुलेशन है इनको और इनकी ऊंचाइयों को, और ये मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनको चाहता हूँ कि इनको सिलेक्शन 100% हो और ये रनिंग क्लियर करें और ये यूनिफॉर्म को पाएं। एक स्टूडेंट ने मेरे पास और कमेंट किया था, चलिए उस पर भी देख के बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने कहा था गर्मी में रेस नहीं होगी, कोई बात नहीं प्रियांशु जी, लेकिन आप देख सकते हैं अब गर्मी में ही रेस होगी। आपको सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज़ आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। लास्ट वीडियो में जो आएगी मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आपको यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने, आपकी एक छोटी सी भी गलती आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV में बाहर भी कर सकती है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर वीडियो बढ़िया लगे हो ना तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और कोई दिल की बात है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोल दीजिएगा आप लोग का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सिलेक्शन हुआ है तो आपका DVPHT की किस डेट को है, क्या जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है क्या उनके लिए दोबारा लिस्ट जारी की जाएगी, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और वीडियो बढ़िया लगे हो ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।